हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम ऑन योर ओन चैनल द बीकर लिस्टेड। माय नेम इज़ अजय नारंग। सो आज हम बात करेंगे एक DDJY प्रोडक्ट की। सो आप भी सरप्राइज होंगे, DDJY पॉलिसी तो स्क्रैप हो चुकी है हरियाणा के गुड़गांव और फरीदाबाद के अंदर, बट जिन प्रोजेक्ट के लाइसेंस आ चुके थे उन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, बट ये जिनके लाइसेंस अभी अवेटेड थे वो कहीं ना कहीं जो है स्टक हो गए हैं। आज हम बात करेंगे GLS इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के प्रोजेक्ट जो कि आ रहा है सेक्टर 4 सोना के अंदर। GLS अरावली होम जो इनकी ऑलरेडी रेडी टू मूव अफोर्डेबल सोसाइटी है, बिल्कुल वहीं से अंदर से ही एंट्री अभी फिलहाल इस प्रोजेक्ट की और सेक्टर 4 सोना के अंदर आ जाता है। और इस प्रोजेक्ट के आसपास जैसा कि आपको पता है सेक्टर 4 में आरयू का भी एक DDJY प्रोजेक्ट आ रहा है, प्लस मेफेयर गोल्डन पार्क जो है वो भी काफ़ी टाइम से चल रहा है। सो आइए एक बार इसकी कनेक्टिविटी देखते हैं। कनेक्टिविटी अगेन, जब भी मैं सेक्टर 4, सेक्टर 5 या सोना को एक प्रोजेक्ट करता हूँ कनेक्टिविटी में आपको हमेशा राजीव चौक से दिखाता हूँ, क्योंकि राजीव चौक आपका मेन चौक आ जाता है जब हम सोना एलिवेटेड रोड पे जाते हैं। और राजीव चौक से आप कहीं भी गुड़गांव के किसी कोने में, अगर आपको 113 सेक्टर द्वारका एक्सप्रेसवे जाना है, गोल्फ कोर्स रोड जाना है, आप सुभाष चौक जाना है तो इजीली एक्सेसिबल है। आइए वहीं राजीव चौक से हम अपनी कनेक्टिविटी स्टार्ट करते हैं और फिर उसके बाद हम फिर फर्दर डिस्कशन करेंगे। चलिए देखिए, जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं GLS अरावली होम है, GLS इंफ्राटेक का ही प्रोजेक्ट है, रेडी टू मूव अफोर्डेबल है एंड फैमिलीज आर लिविंग देयर। और इसके बिल्कुल साथ में लगती हुई साइट है, ये आ जाती है हमारी कनेक्टिविटी। ये GLS अरावली होम्स है, अफोर्डेबल प्रोजेक्ट है। हम लेफ्ट साइड से आए थे, 3 से 4 मिनट के डिस्टेंस पे 150 मीटर सोना एलिवेटेड रोड आ जाता है। और राइट साइड जो है आपका, राइट साइड आपका आरियो और गोल्डन पार्क, मेफेयर गोल्डन पार्क का प्रोजेक्ट आ जाता है। DDJY प्लॉटिंग है उनकी भी। सो देखिए, ये अरावली होम्स है, ये एंटर एंट्री एग्जिट है और बिल्कुल साथ लगती हुई साइट है। अभी वहाँ रोड का काम चल रहा है, बिल्कुल साथ लगती हुई साइट जो है हमारे प्रोजेक्ट की आ जाती है। ये थी इसकी कनेक्टिविटी। जैसे कि मैं अपने काफी प्रीवियस वीडियो में भी दिखा चुका हूँ कि आपका राजीव चौक से सोना एलिवेटेड रोड आपका 17 से 18 मिनट लगते हैं, और वहां से अगर मैं अपना लेफ्ट साइड सेक्टर 4 की बात करूँ तो 4 से 5 मिनट का डिस्टेंस है। तो मैक्स टू मैक्स 20-25 मिनट में आप राजीव चौक से इस चौक पे लैंड कर जाते हो इस प्रोजेक्ट के ऊपर। और बाकी आपको पता ही है कि सोना में जितने भी सेक्टर कटे हैं तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है 60 मीटर की रोड लेके आना। तो 150 मीटर तो हमारा सोना एलिवेटेड रोड है ही, बट अंदर के सेक्टर में 4-5 जहाँ पे पहले भी काफी प्रोजेक्ट मैंने रिव्यू किए, मैंने आपको बताया कि 60 मीटर रोड भी जो है प्रपोज है और गवर्नमेंट जो है रोड को लेके आएगी। अभी फिलहाल इसकी यही कनेक्टिविटी है और राजीव चौक से मैंने आपको कनेक्टिविटी बता दी है। बाकी सोना एलिवेटेड रोड पे जितने भी आपके मेजर स्कूल्स, यूनिवर्सिटी जैसे GD गोयनका स्कूल, यूनिवर्सिटी केरा मंगलोर यूनिवर्सिटी, 5 से 10 मिनट के डिस्टेंस पे आता है। सोना बस अड्डे की बात करें तो 10 मिनट के डिस्टेंस पड़ता है हमारे प्रोजेक्ट से। इस हिसाब से ओवरऑल कनेक्टिविटी इसकी निकल के आती है। नाउ टॉक अबाउट द बिल्डर, बिल्डर इसमें आ जाता है GLS इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, और ये जो है आपका 2012 में कंपनी बनी थी और 10+ प्रोजेक्ट जो ये गुड़गांव में लॉन्च कर चुके हैं। मोस्टली गुड़गांव में ही इनका जो है
प्रोजेक्ट है। अगर मैं बात करूँ इनके रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट ही मोस्टली अफोर्डेबल प्रोजेक्ट है इनके। सो कुछ अगर प्रोजेक्ट ही मैं बात करूँ तो अगर सेक्टर 92 में साउथ एवेन्यू, जीएलएस सेंट्रल एवेन्यू, इसके अलावा जीएलएस एवेन्यू 81 है, 86 है, जो हमारा सोना सेक्टर 4 में जिस प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं उसके साथ में जीएलएस अरावली होम करके रेडी टू मूव अफोर्डेबल प्रोजेक्ट है, तो कहीं ना कहीं डिलीवरी से डेट से पहले ही इसने डिलीवरी दी है, काफ़ी फेमस है जीएलएस के बारे में। इसके अलावा अगर मैं एससीओज की बात करूँ तो सेक्टर 95 में स्पेस कमर्शियल जो मॉल है उसके सामने इनके एससीओज आ रहे हैं। प्लस अगर मैं कमर्शियल की बात करूँ तो उसके अंदर आपका 86 में इनका जीएलएस हब करके कमर्शियल है, 92 के अंदर है, 51 के अंदर है। इसके अलावा अगर मैं डीटीजेवाई प्लॉटिंग की बात करूँ तो अभी रिसेंटली तो नहीं कह सकते, थोड़ा टाइम पहले जीएलएस बाडसा के अंदर जो कि झज्जर के अंदर आता है वहाँ पे भी इनकी जो है प्लॉटिंग आई थी एम्स के, जो एम्स है सेकंड आपका झज्जर में, वहाँ से 5 मिनट के डिस्टेंस पे अच्छा रिस्पांस मिला, वो भी फुली सोल्ड आउट है। सो बिल्डर हैव एन एक्सपीरियंस इन रेजिडेंशियल कमर्शियल एसईओज और डीडीजेवाई, तो इनका सेकंड डीडीजेवाई प्रोजेक्ट आपका है ये, और ये आ जाता है सेक्टर 4 सोना के अंदर। सो अब बात करते हैं प्रोजेक्ट की, लाइसेंस इसका आ चुका है और लाइसेंस आप देख सकते हैं जो भी मेरे से कॉन्टैक्ट करेगा। इसके अलावा जो है 8 एकड़ की साइट है, 130 से 140 प्लॉट है इनके। साइजेस की बात करें तो 136 से 179 स्क्वायर यार्ड के साइज है। बाकी आई थिंक डीडीजेवाई पॉलिसी के बारे में आपको पता है, ऑल्दो गुड़गांव और फरीदाबाद में तो नहीं है, तो एक तरह से अच्छा ये है कि सप्लाई आपके लिमिटेड है, जितने लाइसेंस लगे हुए हैं उन्हीं में से ही जो है आपको इन्वेंट्री चूज करनी है। बट यस, गवर्नमेंट ने जो है फोर्थ फ्लोर कहीं ना कहीं बैन कर दिया और इसके लिए गवर्नमेंट ने कमेटी भी बनाई है, और कमेटी में जो रिस्पॉन्स लिए है उसमें 80% लोगों ने कहा है कि फोर्थ फ्लोर जो है दोबारा ओपन होना चाहिए। सो वी हैव टू सी कि गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है, मेरे ख्याल से फेवर में आना चाहिए, बट नोबडी नोज क्या होता है उसके अंदर। इसके अलावा मैं बात करूं तो डीडीजेवाई पॉलिसी के अंदर आप इंडिविजुअल अभी फिलहाल तो 3 फ्लोर बना के इंडिविजुअल रजिस्ट्री कर सकते हो और साइज आपका 180 स्क्वायर यार्ड से नीचे ही रहेगा। बाकी 1 एकड़ का कम्युनिटी लैंड देना पड़ता है गवर्नमेंट को, गेटेड आपकी सोसाइटी रहती है, अंडरग्राउंड आपकी केबल्स रहती हैं। सो ओवरऑल इस हिसाब से कॉन्सेप्ट है। बाकी बिल्डर इसमें आपको जो है ये जो है क्लब हाउस भी दे रहा है और एक लेक भी जो है गवर्नमेंट की है वो भी वेल मेंटेन करेगा इस जो हमारी बात हुई है बिल्डर से। सो उसके साथ जो है टोडलर एरिया या कॉफी शॉप उस टाइप से जो लेक के आसपास है वो सब कर अरेंज करेगा। इसके अलावा गेटेड रहेगी, अंडरग्राउंड आपकी केबल वो सब तो आपको पता ही है। सो इस हिसाब से ओवरऑल कॉन्सेप्ट आपका निकल के आ रहा है। और आइए मैं आपको एक बार थोड़ा सा साइट व्यू भी कराता हूँ, ऑल्दो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन साइट है तो कुछ ज़्यादा देखने को नहीं है, बट एक छोटा सा क्लिप मैं आपको ओवरऑल व्यू दे देता हूँ कैसे साइट निकल के आ रही है और फिर उसके बाद हम आगे डिस्कशन करेंगे। चलिए छोटा सा एक साइट व्यू का क्लिप था। इसके अलावा अगर आसपास हम हैबिटेशन की बात करें, जैसे मैंने कनेक्टिविटी के टाइम में बताया कि जीएलएस अरावली होम बिल्कुल इसके साथ है, रेडी टू मूव अफोर्डेबल सोसाइटी है। जब मैं वीडियो बनाने वहां पे गया था तो आई वाज सरप्राइज कि फुली ऑक्यूपाइड है, फैमिलीज आर लिविंग देयर। इसके अलावा थोड़ी सी आगे जाते हो तो आईओ का प्रोजेक्ट आता है जो अभी लॉन्चिंग स्टेज में है। इसके अलावा मेफेयर गोल्डन पार्क हो गया, सेक्टर 5 में भी अच्छे खासे प्रोजेक्ट है, एमबीएन एथेंस सोसाइटी है, रेडी टू मूव, फैमिलीज आर लिविंग देयर। इसके अलावा अगर आप सोना एलिवेटेड रोड पे आते हो तो आपका जो है सेंट्रल पार्क हो गया, गोदरेज सनडेटी हो गया, गोदरेज नेचर प्लस हो गया, एलडीगो का प्रोजेक्ट हो गया आपका, काफी अच्छे प्रोजेक्ट जो सिग्नेचर ग्लोबल के फ्लोर्स हो गए, आशियाना अनमोल हो गया, तो मेन रोड के ऊपर तो आपको पता ही अच्छी खासी हैबिटेशन आई हुई है ऑलरेडी। स्कूल्स की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि आपको जीडी गोयनका स्कूल यूनिवर्सिटी, केआर मंगलम यूनिवर्सिटी हो गया, विद्या भारती स्कूल हो गया आपका, वुडवर्ड स्कूल हो गया, और सेक्टर 5 भी जब आप जाते हो तो वहां पे भी आपको 2-3 स्कूल मिल जाते हैं। बाकी कमर्शियल्स की बात करें तो सिग्नेचर का इन्फिनिटी मॉल है वो ऑपरेशन होने वाला है और भी आपका जो है कमर्शियल्स आएंगे। प्लस इस अगर मैं सोसाइटी की बात करूं जीएलएस अरावली होम तो उसके अंदर भी कमर्शियल आपका ऑपरेशनल है। सो इस हिसाब से ओवरऑल प्रोजेक्ट के आसपास हैबिटेशन है। बात करते हैं पेमेंट प्लान की, तो 2 पेमेंट प्लान है। जो फर्स्ट पेमेंट प्लान है उसमें आपको 10% ऑफ चेक देना है बुकिंग पे और 45 डेज के अंदर आपको 30% देने हैं, 40% आपके कंप्लीट होकर 60% यू हैव टू गिव ऑन द पोजेशन, तो 40-60 एक तरह से प्लान है। सेकंड जो है डेवलपमेंट लिंक प्लान है, द वे बिल्डर डेवलप द सोसाइटी उसी हिसाब से जो आपको पेमेंट ये क्लेम करेगा।
सो अब बात करते हैं हमारे लास्ट सेगमेंट जो कि है प्राइसिंग का। सो प्राइसिंग अभी जो बिल्डर ने रखी है वो है BSP जो है वो 65,000 पर स्क्वायर यार्ड है, 65,000 रुपये गज है, प्लस जो है इसके अदर चार्जेस है जो आपके EDC IDC और PLC इज एप्लीकेबल। सो इस हिसाब से जो है इसकी प्राइसिंग है, साइजेस मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप देख सकते हो अपना ड्यू डिलीजेंस करके इस प्रोजेक्ट को। बाकी अदरवाइज मेन प्रोजेक्ट की मेन अगर पॉइंट की बात करें तो जैसे सोना के जितने सेक्टर है, जैसे कि मैंने बोला अभी कनेक्टिविटी नैरो है, बट 60 मीटर रोड कहीं ना कहीं प्रपोज्ड है, वो गवर्नमेंट ने लाना है। बाकी बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, जैसे मैंने बिल्डर बैकग्राउंड में आपको बताया। इसके अलावा DDJY पॉलिसी स्क्रैप हो चुकी है और लिमिटेड आपकी इन्वेंट्री है, बट यस 4th फ्लोर का डिसीजन अभी पेंडिंग है, सो आप देख सकते हो। और बाकी मेरा टेलीग्राम चैनल जो मैं बार बार अपने वीडियो पे कहता हूँ, प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करो, क्योंकि उसमें जो है मेरी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है डेली बेसिस पे मैं आपको डालता रहता हूँ। सो ये था आज का हमारा वीडियो, GLS इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड का प्रोजेक्ट जो कि आ रहा है सेक्टर 4 सोना के अंदर। सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।